हापा पुलिस थाना अंतर्गत वकोड़ी में एक हार्डवेयर के दुकान से चोरी को स्थानीय अपराध शाखा और खापा पुलिस द्वारा उजागर किया गया है। 25 जुलाई को आधी रात के आसपास खापा के तहत मोजा वाकोड़ी के झमाजी केशव दलाल निवासी वाकोड़ी के हार्डवेयर और जनरल स्टोर्स की दुकान से 5,35,000 का माल और रुपए की लूट हुई थी। खापा पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी कि इस घटना के 7 दिन के भीतर फिर से एक बार चोरों ने दुकान में चोरी का प्रयास किया। इस घटना को स्थानीय अपराध शाखा नागपुर ग्रामीण की पुलिस ने लिया। पुलिस अधीक्षक नागपुर ग्रामीण उन्होंने स्थानीय अपराध शाखा को निर्देश देकर चोरों को पकड़ने के आदेश दिए। पिछले 3 महीनों से अथक प्रयास कर रही स्थानीय अपराध शाखा की विशेष टीम को 22 अक्टूबर को इस चोरी के संबंध में एक सुराग मिला। इस आधार पर पुलिस महेश बाबूलाल परते 28 वर्ष निवासी जिगरगट्टा घुंघरी जिला मंडला मध्य प्रदेश के घर पहुंचे। एमपी पुलिस की मदद से उसे पकड़कर उससे कड़ाई से पूछताछ की। उसने गांव के ही 3 नाबालिग लड़कों की मदद से चोरी करने की बात कबूल की। चोरी के पैसों से अपराधियों ने कृषि विषयक साहित्य, ट्रैक्टर, ट्रॉली और महंगे मोबाइल खरीदे। नाबालिग आरोपी को छोड़कर आरोपी महेश के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए उसे स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने खापा पुलिस को सौंप दिया गया है। नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक श्री राकेश ओला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल माकनीकर के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक श्री अनिल जितवार, खापा थाने के थानेदार हर्षल एकरे, सहायक पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र वैरागड़े, पुलिस उपनिरीक्षक नरेंद्र गौरखेड़ और झाबरे, सहायक फौजदार बाबा कंचे, पुलिस कांस्टेबल विनोद काले, पुलिस नाईक शैलेश यादव, सुरेश गेट, अरविंद भगत, पुलिस कांस्टेबल रोहन डेखोर, महेश बिस्ने, अमोल वाघ, महिला सिपाही नम्रता बघेल, ड्राइवर भाऊराव खंडाते, अमोल काठे, साइबर सेल के सतीश राठौर, पुलिस स्टेशन खापा के कांस्टेबल मुकुंद लोंडे, कांस्टेबल मंगेश सावरकर, इन्होंने संयुक्त कार्यवाही की। खापा से NBCN के लिए अरुण महाजन की रिपोर्ट।